नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बैच में मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज का हमारा ये छठा वीडियो है। अगर आपने बाकी पांच वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप बाकी पांच वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया है, तीन संख्याओं के एक समुच्चय में पहले दो संख्याओं का औसत 7 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 10 है और पहली और अंतिम संख्या का औसत 14 है, तो तीन संख्याओं का औसत क्या है? मान लेते हैं हमारी संख्याएं जो है ए, बी और सी है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पहली दो संख्याओं का औसत 7 है, मतलब कि ए प्लस बी बाई टू बराबर 7 है और अंतिम दो संख्याओं का औसत 10 है, मतलब कि बी प्लस सी बटे दो करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। और दिया है पहली और तीसरी संख्या और दिया है पहली और अंतिम संख्या का औसत 14 है, मतलब कि ए प्लस सी बटे दो करेंगे तो ये आ जाना चाहिए 14। तो यहां से हम करते हैं तो ए प्लस बी बराबर 14 आ जाएगा, बी प्लस सी बराबर 20 आ जाएगा और ए प्लस सी बराबर आ जाएगा 28। तो अब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2a + b + c बराबर 20 और 14 34। 34 में जब 28 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 62। अभी हम यहां से निकालते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया हमारे पास 62/2 जो कि आएगा 31। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 31 आ गया है। क्वेश्चन में पूछा है तीन संख्याओं का औसत क्या है, तो तीन संख्याओं का औसत का मतलब है a प्लस बी प्लस सी बटे 3। तो a प्लस बी प्लस सी का मान हम रखते हैं यहां से जो कि है 31, तो 31/3 मतलब 31/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि दिया है ऑप्शन ए में। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दो संख्याओं का एलसीएम 315 है और उनका एचसीएफ 5 है, यदि दो संख्याओं का योग जो है वो 80 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं एक संख्या अगर y है तो दूसरी संख्या हो जाएगी क्या 80 - y, और हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करते हैं तो वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल जो कि है y इंटू 80 - y बराबर एलसीएम जो कि है 315 × HCF 5। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 80y - y² बराबर 315 × 5। हम इस पूरे पार्ट को राइट हैंड साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा y² - 80y + 315 × 5 = 0। अब यहाँ से y का मान हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के निकालते हैं जिसमें होता है -b + -b² - 4ac जो कि रूट के अंदर आएगा / 2a। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर आ जाएगा माइनस बी करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होके 80 आ जाएगा और प्लस माइनस √b², तो 80 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 6400 आ जाएगा माइनस 4ac करना है, 4a = 1 है और c जो है 315 × 5 है / 2a करना है तो ये 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास y बराबर 80 + - और यहां से ये आएगा 6400 - 6300/2। तो ये y बराबर आ गया हमारे पास 80 + ये 6400 - 6300 करेंगे तो 100 आएगा और 100 को जब रूट से बाहर लेंगे तो 10 आ जाएगा / 2 आ गया। तो यहां से y के दो मान आएंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर आ जाएगा 80 + 10 जो कि 90 हो जाएगा, 90/2 करेंगे तो 45 आएगा और माइनस चिन्ह लेने पे आ जाएगा 80 - 10 करने पे 70, 70/2 करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो y का मान 45 और 35 दो आए हैं तो अब रखते हैं कि हमारे पास जो संख्याएं हैं वो क्या हो गई। y बराबर 45 रखते हैं तो दूसरी संख्या आ जाएगी 35, या फिर y बराबर 35 रखेंगे दूसरी संख्या आ जाएगी 45, परंतु दोनों ही केस में जो दोनों संख्याओं का अंतर होगा वो होगा 10 का। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो है 10। 10 दिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है cos 1° cos 2° .. cos 45° और फिर इसके आगे है cosec 46° और ऐसे ही cosec 88° और cosec 89° का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको लिखते हैं कि cos 1° cos 2° और ऐसे चलते चलते ये cos 45° cosec 46° और आगे तक जा रहा है ये cosec 88° और cosec 89°। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं कि cos 1° cos 2° और एक cos 45° से पहले आएगा cos 44° और cos 45° का मान रख देते हैं 1/√2। cosec 46° को हम लिखते हैं cosec 90 - 44°,
उसी तरीके से आगे लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास कि कोसेक 90 माइनस 1 डिग्री, जो कि हमने लिखा कोसेक 89 डिग्री को। तो यहां से आ जाएगा कि कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री और आगे कोस 44 डिग्री और 1/√2। ऐसे कैसे? कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक 44 डिग्री और आगे ये जाएगा सेक 43 डिग्री और उसी तरीके से यहां तक आते आते हो जाएगा सेक 1 डिग्री। अब हम लिखते हैं कि कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री और आगे ये कोस 44 डिग्री और 1/√2। ऐसे कैसे रहने देते हैं? और सेक 44 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos 44 डिग्री, और इसके आगे जो सेक 43 डिग्री होगा उसको लिख सकते हैं 1/cos 43 डिग्री, और ऐसे ही आगे जो ये होंगे कि सेक 1 डिग्री को लिख सकते हैं 1/cos 1 डिग्री, और इससे पहले लिख सकते थे 1/cos 2 डिग्री। तो यहां से ये कोस 1 डिग्री इस कोस 1 डिग्री से एक बार कट जाएगा, उसी तरीके से ये कट जाएंगे और ये सब भी कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1/√2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/√2, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें दिया है 150 कलमों का क्रय मूल्य कुछ निश्चित कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है तथा लाभ जो है 20% है, तो बेचे गए कलमों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं बेचे गए जो कलम है वो वाई है संख्या में, तो यहां से लिखते हैं कि 150 का क्रय मूल्य बराबर हो जाना चाहिए वाई के विक्रय मूल्य के। तो 150 सीपी बराबर होना चाहिए वाई के एसपी के। तो यहां से सीपी अपॉन एसपी निकालते हैं, मतलब कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालते हैं, तो यह आ जाएगा वाई बटे 150। इसको बोल देते हैं समीकरण संख्या एक। और हमें दिया हुआ है कि लाभ जो है 20% है, और हम जानते हैं 20% का फ्रैक्शनल मान जो होता है 1/5 होता है, मतलब कि सीपी अगर 5 है तो उस पर लाभ जो है वो 1 का रहा होगा। इस तरीके से 1 के लाभ के साथ एसपी जो है वो हो जाएगा हमारे पास 6 रुपए। तो यहां से सीपी अपॉन एसपी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 5/6। तो यहां से हम करेंगे आप समीकरण 1 और 2 को बराबर, तो वाई बटे 150 जो कि सीपी अपॉन एसपी का मान है इसको 5/6 के बराबर कर देते हैं समीकरण 2 से। तो यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा वाई बराबर 5 × 150/6। 3 से जब इसको काटेंगे तो यह आएगा 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, तो ये आ गया हमारे पास 50/2, और 2 से जब फिर से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो इस तरीके से y का मान आ गया हमारे पास 5 × 25 करने पे 125। तो 125 कलम बेची गए हैं, जो कि है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न में दिया है 1,40,000 रुपए पर 6 महीने के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज जो है तिमाही संयोजित है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है समय जो 6 महीने है, तो 6 महीने में 3-3 महीने के 2 ग्रुप बनेंगे, मतलब कि 3 माह + 3 माह हो जाएंगे। और दिया है जैसे कि 12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर है, तो 3 महीने के लिए जो ब्याज दर हो जाएगी वो 3% हो जाएगी। तो पहले 3 महीने के लिए 3% लगेगी और अगले 3 महीने के लिए भी 3% लगेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों के लिए इफेक्टिव परसेंटेज निकालते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे जो कि a+b+ab/100 होता है, तो यहां से आ जाएगा 3 + 3 + 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा, 9/100 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3 और 3 = 6 और 0.09, तो ये आ जाएगा 6.09%, मतलब कि कुल जो लगने वाला है 1,40,000 रुपए पे 6.09% लगेगा। तो अब हम निकालते हैं कि 1,40,000 रुपए का 6.09%, तो 1,40,000 रुपए का 6.09% निकालेंगे, तो 1,40,000 × 6.09/100 करेंगे तो ये 00 यहां से कट जाएगी और इन जीरो से ये कट जाएगा। अब हमारे पास रह गया है 609 × 14, 14 × 9 = 126, 126 का 26 हासिल 1, 14 × 75 = 84 और 1 = 85, तो ये आ गया हमारे पास 8,526 रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 8,526 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/8, 6/16 और 3/24 का लसएफ ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन के लिए एलसीएम ज्ञात करना होता है, तो होता है कि अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो हमको निकालना है यहाँ पे 1, 6 और 3 का तो एलसीएम बटे 8, 16 और 24 का एचसीएफ। तो 1, 6 और 3 का एलसीएम निकाला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 6
और 8, 16 और 24 का एचसीएफ निकाला जाएगा तो ये आ जाएगा 8। तो ये आ गया हमारे पास 2 3 6 और 2 4 8, तो 3/4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि दिया है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए यदि sec थीटा माइनस cosec थीटा अपॉन sec थीटा बराबर 5/6। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमें दिया हुआ है sec थीटा माइनस cosec थीटा अपॉन sec थीटा बराबर है 5/6। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, sec थीटा अपॉन sec थीटा तो 1 हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा को हम लिख देते हैं 1/sin थीटा, और नीचे वाले जो सेक थीटा को लिख देते हैं 1/cos थीटा, बराबर 5/6 हो गया। और यहां से सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा ऊपर जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा, तो 1 - cot थीटा बराबर आ गया 5/6। यहां से कोट थीटा का मान आ जाएगा 1 - 5/6, जो कि सिंप्लीफाई करने पर आएगा 1/6। तो 1/6 कोट थीटा का मान आ गया, तो यहां से निकाल लेते हैं टेन थीटा बराबर 6 आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर 6 आ गया, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, जो कि दिया हमको sec स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा को, तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास 1 + tan² थीटा और टेन थीटा ऐसे कैसे, और जैसा कि हमने पहले ही निकाल लिया टेन थीटा बराबर 6 है, तो टेन थीटा बराबर 6 रखेंगे इसमें, तो 1 + 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा प्लस 6, 36 और 6 42 और 1 43। तो हमारे पास जो पूछा गया था sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, इसका मान आ गया 43, जो कि दिया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 6x + 3x - 5 × 2 बराबर 4x + 3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6x + 3x × 2 करेंगे तो ये 6x आ जाएगा, माइनस 5 × 2 करने पर 10 आ जाएगा, बराबर 4x + 3, और यहाँ पे 6 और 6 12x, तो ये हो गया, और 12x में से जब ये 4x इधर आएगा तो ये माइनस के 4 हो जाएगा, और इस तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 10। तो ये आ गया हमारे पास 12 में से 4 जाएगा तो 8x आएगा, 8x = 13, तो x बराबर आ गया है 13/8, तो 13/8 x का मान हो जाएगा, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है ताकि आपको पता रहे कि कुछ क्वेश्चंस इजी भी आते हैं, और ऐसे इजी क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, पहले ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7, 13, 15, 11 और 4 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो मानक विचलन को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी। तो एसडी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है रूट अंडर समेशन ऑफ, योग करना है x - x̅ का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो सबसे पहले हमें इनका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, x बार बराबर 7 + 13 + 15 + 11 + 4/5 करेंगे, तो x बार बराबर हो जाएगा 7 और 13 20 20 और 15 35 35 और 15 करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 50/5 करेंगे तो x बार, जो कि हमारे पास माध्य, इसका मान आ गया है 10। तो x बार बराबर 10 आ गया है, तो अब निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मानक विचलन। तो मानक विचलन हमारे पास हो जाएगा कि सिग्मा करना है x - x̅ का होल स्क्वायर, तो 10 में से जब 7 घटाएंगे या 7 में से 10 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9। उसी तरीके से 13 में से 10 घटाने पे 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर फिर से 9 हो जाएगा, प्लस 15 में से 10 घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर आएगा 25, फिर 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, बटे करने पे ये आएगा 5, क्योंकि 5 संख्याएं दी गई थी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर आ गया हमारे पास, ये जोड़ने पे 80 आएगा, तो 80/5 करेंगे तो 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 16 बार, तो रूट पे 16 आ गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर आ जाएगा 4, जो कि दिया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यदि ए सी के 20% के बराबर है और बी सी के 40% के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बी का 50% है। तो हम लिखते हैं पहले कि ए बी और सी है, जैसा कि दिया है ए सी के 20% के बराबर है, सी अगर 100 है तो 20% के बराबर ये 20 हो जाएगा, और दिया है बी जो है सी के 40% के बराबर है तो ये हो जाएगा 40। अब निकालते हैं कि बी का 150%, मतलब कि 40 का 150%, तो 150% 40 का निकालेंगे तो 40 × 150/100 करेंगे तो ये 00 से 00 कट जाएगा और 15 × 60 आ जाएगा, तो ये आ गया 60। अब देखते हैं ऑप्शन से 60 किसका मान आता है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो ए का 300%, तो ए का 300% मतलब कि 20 का 300%, तो 300 बटे
सो करेंगे तो यहां से ये काटेंगे तो 20 30 60, तो 60 हमारा आ गया है डी से, तो डी ही इसका सही आंसर है। बाकी सबके लिए चेक कर सकते हैं जो कि 60 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है एक लड़के के पास 1:2:3 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के मूल्य के कुछ सिक्के हैं। यदि सिक्कों की कुल राशि 6 रुपए 50 पैसे है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 50 पैसे के सिक्के हैं कुछ, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 1 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 होगी और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 होगी। मान लेते हैं हमारे पास इनकी संख्या जो है ये है के, 2K और 3K। तो जैसा कि दिया हुआ है कुल राशि जो है 6 रुपए 50 पैसे हो जाती है, तो यहां से करते हैं कि के बटे 2 करेंगे तो ये 50 पैसे से बनने वाले सिक्के आ गए। उसी तरीके से 2K/4 करेंगे और 3K/10 करेंगे तो हमारे पास कुल रुपए आ गए हैं जो कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के से बनेंगे, तो ये 6 रुपए 50 पैसे के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 20, तो 2 2 20 और 10 से K को गुणा करेंगे 10K हो जाएगा, 4 5 20, 5 × 2 करेंगे तो 5 × 10 K आ जाएगा और 10 × 20 होता है और 3 × 6 K हो जाएगा बराबर 6 रुपए 50 पैसे। तो यहां से आ गया हमारे पास 10 और 10 20 और 6 26 K बराबर 6 रुपए 50 पैसे गुना 20। तो यहां से सिंपलीफाई करते हैं तो ये 00 कट जाएगा और ये आएगा हमारे पास 130, तो 26K बराबर 130 आ गया। तो यहां से K बराबर आएगा 130/26, तो 26 का भाग 130 में देंगे तो ये 5 बार जाएगा, के बराबर आ गया हमारे पास 5। और क्वेश्चन में पूछा था 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 10 पैसे के सिक्के जो हमने माने थे वो माने थे 3K हैं, तो 3K में K का मान रख देंगे तो 3 × 5 बराबर आ जाएगा 15 सिक्के ऐसे हैं जो कि 10 पैसे के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में दिया है सरलीकृत कीजिए और क्वेश्चन है √16 × 4 × 49 एंड डिवाइडेड बाई 7 × √81 × 2². तो जब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, √16 जो है 4 हो जाएगा गुना 4 × 49 और भाग देंगे इसमें 7 × √81 जो है 9 हो जाएगा गुना 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब इसका भाग देते हैं हम तो ये आ जाएगा 4 × 4 × 49 / 7 × 9 × 4, तो यहां से ये 4 से 4 कट जाएगा और 7 से 49 7 बार कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 7 × 4 = 28/9। तो 28/9 इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में दिया है एक दिन में 7 घंटे कार्य करने वाले 13 पुरुष 10 दिनों में 280 ईंटें बना सकते हैं, तो कितने दिनों में 29 आदमी प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करके 396 ईंटें बना सकते हैं? तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि m1d1h1/w1 = m2d2h2/w2। तो यहाँ पे m जो है ये पुरुषों की संख्या है, d जो है दिनों की संख्या है, h जो है घंटों की संख्या है और w जो है यहाँ पे ईंटों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कुल पुरुष है वो है 13, दिन जो है 10 है और घंटों की संख्या 7 है, बटे ईंटे जो है वो है 280 बराबर m2 दिया हुआ है 29 आदमी है, d2 हमें ज्ञात करना है और h2 दिया हुआ है 3/w2 396। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 × 7 = 28, ये 4 बार कट गया, 4 से इसको काटते हैं इधर तो 4 × 9 = 36 और 4 × 9 = 36 99 आ गया, 3 से काटते हैं 3 × 3 और 3 3 9 और 3 3 9 ये आ गया हमारे पास 33। तो इसको फिर से 3 से काटते हैं तो 3 से ये 13 बार कटेगा और ये कट जाएगा 11 बार और इस 13 से ये 13 पूरी तरह कट जाएगा 1 बार, तो हमारे पास D2 जो कि दिनों की संख्या है सेकंड केस में वो आ जाएगी 11 दिन। तो 11 दिन लगेंगे टोटल अगर 39 आदमी 3 घंटे कार्य करेंगे और 396 ईंट बनाए पाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आंकड़ा समूह 1 0 2 3 1 1 15 1 3 दिया गया है, विभिन्न प्रश्नों के मानों का निम्नानुसार ज्ञात कीजिए और दिए गए आंकड़े समूह का माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या को हम बहुलक कह देंगे। तो सबसे ज्यादा बार इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 1 जो है 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो 1 जो है 4 बार आ रहा है तो यही सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो बहुलक तो हो जाएगा 1। तो बहुलक 1 हो गया, तो बहुलक 1 जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। और माध्य निकाल सकते हैं इजीली कि सबको जोड़ दिया जाएगा
और जोड़ के इस संख्याओं की जो संख्या है उससे भाग दे देंगे, तो कुल संख्या 9 है तो 9 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 3 बटे 9। तो ये ऊपर जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 बटे 9। ऐसे कैसे, तो 9 तीय 27, तो हमारे पास ये माध्य आ गया है जो कि ये 3 और बहुलक आया था 1, तो ये आंसर हो जाएगा 3,1। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसमें दिया है ए बी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है और सी की तुलना में 60% कम दक्ष है। यदि ए और सी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पे पहले ए और बी की तुलना की गई है और उसके बाद में ए की तुलना की गई है सी से। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ए बी और सी है और पहले इनकी दक्षता का अनुपात निकालते हैं। तो पहली कंडीशन में दी हुई है ए बी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है। 50% का भिन्नात्मक मान होता है 1/2, मतलब कि बी अगर 2 रहा होगा तो ए जो है वो 3 हो जाएगा। और सेकेंड केस में दिया हुआ है सी की तुलना में ए जो है वो 60% कम दक्ष है। 60% का भिन्नात्मक मान होता है 3/5, मतलब कि सी अगर 5 रहेगा तो ए जो है 3 कम रहेगा, मतलब कि 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए कॉमन है तो कॉमन जो दिया हुआ है उसको हम सेम बना लेते हैं, तो इसको गुणा करते हैं 2 से और इसको गुणा करते हैं 3 से। तो इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इनकी कार्य क्षमता जो कि है 6 और यहां से गुणा करने पे 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 15। तो ए बी व सी की कार्य क्षमता आएगी 6:4:15 या 6:4:15। तो इसको फिर से लिखते हैं कि ए बी और सी और इनकी कार्य क्षमता जो है इनको हम लिखते हैं 6:4:15। अब हमको दिया हुआ है ए और सी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं ए प्लस सी जब कार्य करेंगे तो उनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 + 15 करने पे 21। तो 21 की कार्य क्षमता के हिसाब से वो 20 दिनों तक कार्य करते हैं, तो कुल काम कितना किया हुआ 21 × 42, 420 काम जो है उन्होंने पूरा किया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी के लिए हमको दिनों की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करते हैं कि कुल जो काम है 420 उसको बी की कार्य क्षमता 4 से भाग दे देते हैं, तो बी द्वारा लिया गया समय जो आ जाएगा वो आ जाएगा 420/4। तो 4 × 4 और 0 और 4 × 5 = 20, तो 105 दिन लगेंगे बी अगर अकेला काम करेगा तो जो कि दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी 105 दिन इसके लिए करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बैच में मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज का 6ठा भाग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।